अनिल सर, अनिल सर इसका भारत शासन अधिनियम याद रखिएगा, अनिल सर इसमें भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था और फिर से ये शासन भारत पर करने के लिए ब्रिटेन ने अपना चाल चला, अपना अधिनियम एक्ट बनाकर इन्होंने पारित किया। भारत में उपस्थित भारत का सचिव मानती हूँ तथा वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने इस अधिनियम को पारित किया। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। याद रखिएगा, आप लोग बता रहे हैं जब 1919 के जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था उस समय भारत में उपस्थित भारत का सचिव और वायसराय ने एक महत्वपूर्ण योजना के तहत यह अधिनियम पारित किया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज हुआ करता था जब इसको पारित किया गया इन्होंने दोनों मिलकर इस अधिनियम को इसमें स्याही डाले दोनों अधिनियम ने क्या किया, दोनों ने मिलकर यह अधिनियम को बनाया। बताया जाता है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम को मानते हूँ जेम्स फोर्ड सुधारक भी कहा जाता है। और इसमें सुधार लाने की बात कहा इन्होंने कि इसमें और भी सुधार का किया जाएगा, लाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण भूमिका ये सचिव साहब का था और वायसराय जो जेम्स फोर्ड थे इनका था और इन्होंने दोनों मिलकर क्या किया था ये अधिनियम लाने के। उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, लॉर्ड जॉर्ज हुआ करता था। इनकी उपस्थिति में इन्होंने ये अधिनियम को लागू किया। बताया जाता है इसमें महत्वपूर्ण बातें रखी, इनमें बताया जाता है कि इन्होंने महत्वपूर्ण बातें रखी और फिर से वही चीज कि कैसे तोड़ फोड़ कर हम लोग अपना शासन करें। यहाँ पे इस अधिनियम में पहला बात था कि सिख ईसाई और अंग्ला भारतीय का निर्वाचन का या अलग चुनाव कराने का अधिकार दिया।
यानी कहने का मतलब ये अलग अलग का कर सकते, चुनाव करा सकती है, लड़ सकते, अलग अलग इन्होंने क्या किया, अलग अलग निर्वाचन का अधिकार दिया, निर्वाचन का अधिकार किया, अलग चुनाव कराने का अधिकार दिया। दूसरा का बात बताया गया कि इस एक्ट के द्वारा महिलाओं का मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, अधिकार का हुआ प्राप्त हुआ, इसमें महिलाओं का क्या कर दिया गया प्राप्त हुआ। तीसरा बताया गया कि केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। याद रखिएगा चौथा क्या बोला गया, दुई सदनीय विधायकी लागू हुआ जिसमें एक विधान परिषद, दूसरा केंद्रीय विधान सभा। यानी कहने का मतलब ये जो है आपको क्या बताया गया कि सिख ईसाई और अंग्ला भारतीयों को निर्वाचन के लिए अलग अलग अधिकार कर दिया गया। दूसरा का बताया गया कि महिलाओं का मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तीसरा बताया गया कि केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। चौथा बताया गया कि द्विसदनीय विधायक जो विधायकी जो थी वह एक विधान परिषद कर दिया गया और एक केंद्रीय विधानसभा कर दिया गया, इसको अलग अलग का कर दिया गया, बांट दिया गया। आगे हम आप लोग को और भी बताते हैं इस सदन में और क्या क्या हुआ, सर इस अधिनियम से और क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, इसमें बताया गया प्रांतों में वेद शासन, प्रांतों में वेद शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद बताया गया है आपको द्वैत शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद बताया गया है प्रत्यक्ष चुनाव या निर्वाचन कराने का अधिकार दिया गया। ये इसका मुख्य बात है। ये हम लोग का इस अधिनियम का इस एक्ट का महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आप लोग को बताया। आप कुछ महत्वपूर्ण बात में आप लोग को नोट कर लेना है, ध्यान रखिएगा। 1765 ईस्वी में ठीक है ना, बंगाल में बताया जा रहा है, बंगाल 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने दल शासन लागू किया।
नोट में देख लीजिएगा 1965 ईस्वी में द्वंद्व शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था और इसका अंत किसने कर दिया था 1772 में वारेंस हेंटिंगस ने 1965 में द्वंद्व शासन बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया और 1772 में वारेंस हेंटिंगस ने इसको समाप्त कर दिया। इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आगे बताया गया इसमें नोट में ध्यान रखते चलिएगा कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था इसको 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। याद करिएगा कि ये 1919 का चुका है भारत शासन अधिनियम जो है इसको लागू किया गया था कब 1921 में। ये महत्वपूर्ण कुछ बातें आप लोग याद करते चलिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और भी चीज़ है, क्या है? अब एक महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1919 का भारत शासन 1919 भारत शासन 1919 भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम ठीक है ना, को और भी सुचारू ढंग से अच्छा बनाने के लिए सर जॉन साइमंस के अध्यक्षता में साइमन कमीशन का साइमन कमीशन आयोग गठन किया गया था। याद रखिएगा नवंबर 1927 में इसको और भी सुचारू रूप से मजबूत बनाने के लिए जो 1921 में लागू हुआ था बना 1919 का अधिनियम जो है 1921 में जो लागू हुआ था इसको और भी सुचारू रूप से बनाने के लिए नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने अपना एक सर जायमन की अध्यक्षता में इनके साथ में और भी 7 सदस्य हुआ करते थे ठीक है, नवंबर 1927 में एक साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया ठीक है ना। इस आयोग में कहा गया इसने का किया इसको भारत भेजने की प्लान बनाई गई और यह आगमन भारत में इसका आगमन 1928 ईस्वी में हुआ और इसको और भी लंबा बढ़ाने के योजना चल रही थी, लेकिन वहाँ बता दें कि 1930-31 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे, इससे पहले उन्होंने इसको संपन्न कराने का काम किया। पता है क्या है कि ये भारत आया और भारत में जब ये आयोग आ गया तब इस आयोग ने रिपोर्ट अपना जारी किया 1930 में 1930 में इन्होंने ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन के संसद में इन्होंने रिपोर्ट भारत से पूरा सर्वे करने के बाद भारत से इन्होंने रिपोर्ट कहाँ भेजने का काम किया कहाँ
ब्रिटेन के संसद के और ब्रिटेन के सरकार ब्रिटिश सरकार के पास भेजने का काम किया। जब इन्होंने भेजा तो इस पर विचार किया गया। जब इन्होंने भेजा, याद रखिएगा, नवंबर 1927 में ब्रिटिश के ही जो सर जॉन साइमंस की अध्यक्षता में, और इनके साथ में और कितना लोग थे, और भी सात लोग थे, ठीक है ना। साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था। और ये जो आयोग आया कब, 1928 में भारत में का किया आगमन किया, और उन्होंने दो साल बाद 1930 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपा। ये जब रिपोर्ट आया तो 1930 में पहला गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। अब एक सम्मेलन बैठाया गया था, गोलमेल सम्मेलन कब बैठाया गया था, 1930 में बैठाया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था भाई 1931 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, इस गोलमेज सम्मेलन से क्या हुआ, इसका परिणाम निकला, और इन्होंने गोलमेज सम्मेलन का बैठक किया। याद रखिएगा, जब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का बैठक हो गया, तब इन्होंने 1935 का भारत शासन अधिनियम बनके तैयार हुआ। अधिनियम याद रखिएगा, जब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बनके क्या हुआ, तैयार हुआ। ये तीनों बैठक होने के बाद, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। याद रखिएगा, ये कब हुआ था, 32 में हुआ था। आपको बताया जाता है कि जब ये गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ था तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हो गया था। ये 1935 भारत अधिनियम शासन बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। अब आगे बताया जाता है, ध्यान रखिएगा, अब आगे बताया जाता है कि 1919 अधिनियम के तहत लोक लेख का गठन हुआ था। और आपको बता दें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोक लेखा का गठन हुआ था किस अधिनियम के कारण, 1919 के अधिनियम के कारण। अब याद कर लीजिएगा, 1919 के अधिनियम के कारण ही 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था 1919 के अधिनियम में हुआ था। एक और मुख्य बात बता दें कि लोक सेवा आयोग का जो प्रतियोगी परीक्षा जो हुआ करता था ये लंदन में हुआ करता था। ये कहाँ हुआ करता था, लंदन में हुआ करता था। लेकिन इस अधिनियम के कारण यह प्रतियोगी परीक्षा भारत में भी होने लगी। याद रखिएगा, ये हम लोग का सिर्फ कहाँ हुआ करता था, ये प्रतियोगी परीक्षा लंदन में हुआ करता था, और लंदन के लंदन
में हुआ करता था, लेकिन 1919 के अधिनियम के कारण यह भारत में प्रतियोगी परीक्षा होने लगा, और इसके बाद हम लोग का कौन सा बनकर तैयार हुआ था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ था। और ये ब्रिटिश शासन का चलाकी था जो धीरे धीरे अबका होते जा रहा था, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।